25 तारीख को दरभंगा के विभिन्न महाविद्यालयों में चुनाव होने हैं। दरभंगा के विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़े छात्र नेता अपने अपने छात्र नेताओं को जिताने के प्रयास में लगे हुए हैं। दरभंगा के MRM कॉलेज में भी छात्राओं में 38 वर्ष के बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर के ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। MRM कॉलेज में छात्र जदयू की छात्राओं ने कहा कि महाविद्यालय परिसर में कई तरह की समस्या है, जिसमें लड़कों का बेधड़क परिसर में प्रवेश करना, इसके अलावा हॉस्टल में व्याप्त अनियमितता के साथ कई समस्याओं को लेकर मिथिला मंच न्यूज से बात के क्रम में कही कि इन मुद्दों पर वो छात्रों के बीच में जाएगी और वो चुनाव लड़ेंगी। 38 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है मिथिला विश्वविद्यालय में, छात्रों के साथ छात्राओं में भी काफी उत्साह की झलक देखने को मिल रही है। सवाल सिर्फ ये है कि छात्र संघ चुनाव किस मायने में छात्र के हित के लिए कार्य करेगा। यहाँ राजनीतिक दल से संबंधित सभी छात्र नेता मौजूद हैं। हमारे साथ कई छात्राएं हैं MRM कॉलेज में, और अभी हम जानना का प्रयास करते हैं कि आखिर ये छात्राएं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं? हमको भलाई के लिए और स्टूडेंट की भलाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट हैं जिसको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे कॉलेज में कॉमन रूम नहीं है, गर्ल्स लोग आके बाहर में बैठी है, उसका कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है, कैंटीन बंद है, और फॉर्म जो फिलअप होता है तो वहाँ पे जो सरकार हमारी निकालते कि इतना पैसा लिया जाएगा, लेकिन हमारे सर लोग ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते इसके कारण वो फॉर्म नहीं भर सकती है। इसीलिए हम लोग इस कॉलेज के लिए, भलाई के लिए और स्टूडेंट के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। अगर हम लोग जीत जाते हैं तो स्टूडेंट की भलाई के लिए हम बहुत हर चीज़ करेंगे जो हम लोग कर सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है? कॉलेज में कैंटीन सही नहीं है और क्लासेस ठीक नहीं है, क्लासेस टाइम पे नहीं चलता है। सभी का यही कंप्लेन होता है कि क्लास नहीं चल रहा है, पढ़ाई नहीं होता, सभी दूर दूर से आती हैं और कहती हैं कि क्लास नहीं चल रहा है, फिर वापस चली जाती हैं, लाइब्रेरी में से बुक नहीं ले पाती हैं, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। कैंटीन में सुधार, हॉस्टल के लिए मतलब कुछ करना चाहते हैं, हॉस्टल में सुधार, हॉस्टल टूटा फूटा है उसको बनवाना, और कॉलेज साफ सफाई, मतलब बहुत कुछ, इसलिए स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम लोग। यहाँ कॉमर्स की भी पढ़ाई नहीं होती है, कॉमर्स की छात्राएँ आके बस बैठ के चली जाती है, यहाँ प्रोफेसर लोग कोई भी नहीं है, एक ही है जो सर लोग बैठ लेते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करवाते हैं। जो लड़की लोग ट्यूशन नहीं पढ़ सकती है वो कॉलेज में तो पढ़ सकती है, लेकिन कॉलेज में कॉमर्स का कोई क्लास ही नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि यहाँ हॉस्टल है, मैंने हॉस्टल के छात्राएं हमेशा हम मैसेज करती रहती है कि यहाँ ये प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे दूर करना? हॉस्टल में ये प्रॉब्लम, बोलो तुमने बोलो, हॉस्टल में प्रॉब्लम है, यहाँ बस का सुविधा नहीं है। अगर मान लीजिए अगर किसी हॉस्टल में किसी गर्ल्स को रात में अगर कुछ हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो उसको फिर कैसे ले जाया जाएगा? बस है लेकिन टूटा पड़ा है, उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं गया है कि इसका सुधार होना चाहिए, ये मेडिसिन सब रहना चाहिए, डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए इसी के लिए। और भी जो है लड़की लोग, उसको खाने की अच्छी सी व्यवस्था नहीं मिल रही है, कैंटीन एक दिन खुलता है एक दिन बंद रहता है, तो सब के लिए कॉलेज रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए कौन लड़ेगा, कौन फाइट करेगा? इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हम लोग जीत जाते हैं तो स्टूडेंट की हर भलाई के लिए हम लोग हम लोग छात्र जेडीयू की दर से संबंध रखते हैं। किस कौन से पद के लिए आप लोग? हम काउंसलिंग मेंबर के लिए है, काउंसलिंग मेंबर के लिए, रेसिडेंट अध्यक्ष, साजिया एरम, और कोई तो चले हम बता दें। छात्र जदयू से संबंधित ये छात्राएं हैं और इनकी समस्या सिर्फ ये है, हम बता दें कि छात्रों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है और उतना ही ज़्यादा उत्साह छात्राओं में भी है। सवाल सिर्फ ये है कि ये छात्राएं अपनी समस्याओं के लिए, अन्य छात्राएं जो नामांकन कराएंगी उनकी समस्याओं के लिए ये किस तरह महाविद्यालय प्रशासन से लड़ेंगी, महाविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर उन छात्राओं की समस्याओं को दूर करेंगी। यहाँ खासकर जैसे छात्राओं ने कहा कि यहाँ पर जो हॉस्टल है उसमें सबसे ज़्यादा समस्या है, भवन भी नहीं है, यहाँ जो कैंटीन है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाते, यहाँ पुस्तकालय भी नहीं है, कई तरह की समस्याएं हैं जिससे इन लोगों को प्रत्येक दिन जूझना पड़ता है। देखते हैं ये छात्राएं किस तरह चुनाव जीतकर महाविद्यालय के प्रशासन के साथ मिलकर छात्राओं की समस्या से लड़ सकती हैं। ये छात्र जरूर संबंधित हैं, हम और भी दिखाते हैं आपको कि यहाँ इस महाविद्यालय के और भी दल से संबंधित छात्राएं क्या कहती हैं, और जिनके विचार आपको उत्तम लगे वो मिथिला मंच न्यूज यूट्यूब में सर्च कर आप सब्सक्राइब कर बेल दबा दें और इसे छात्राओं के बीच शेयर करें, हो सकता है कि आपके विचार सुनकर वे छात्राएं आपको वोट डाल सकें। धन्यवाद।
मेरा नाम शरबत परवीन हुआ, मैं यूआर के लिए फ़ाइट की मिलर कॉलेज से, अब वहाँ से मैं जीत के भी आ गई और इंशाल्लाह आगे भी होगा तो मैं यूनिवर्सिटी फ़ाइट करूँगी। अच्छा, वहाँ सारे जीते, उसमें कहीं पर कोई कंटेस्ट नहीं हुआ, क्यों ऐसा वजह? वहाँ अगेंस्ट इसलिए कोई खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ कोई खड़ा होगा तब तो कोई वोटिंग होगा, वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए हम लोग। क्यों ऐसा हो, क्यों ये विवाद का विषय बना है कि वहाँ जो भी खड़ा हुआ वही जीत गया, या पहले मैनेज था या बहुत डर? नहीं, 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 पहले मैनेज नहीं हुआ, नहीं कुछ कोई डर है, बस नॉमिनेशन हुआ और अगेंस्ट पार्टी हमारा कोई खड़ा ही नहीं हुआ तो हम लोग जीत गए। नॉमिनेशन पेपर नॉमिनेशन हुआ, बस हम लोग का हो गया बस। मिल्लत कॉलेज को लेकर के एक बात जरूर चर्चा में है कि आखिर वहाँ से अन्य जो पार्टी संबंधित थे वो उन्होंने नॉमिनेशन क्यों नहीं किया, और नॉमिनेशन किया तो उनके विरोध भी क्यों नहीं खड़ा हुआ, और ये विवाद मिल्लत कॉलेज के छात्राओं के बीच अवश्य है, लेकिन जो जीता वही सिकंदर।